आज का शिरडी साईं संदेश, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल उगेगी, और वो ही काटेंगे वो ही खाएंगे। प्यार करोगे प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है, और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं, पर क्या पेड़ बदले में हमें मारता है? नहीं, वो तो उल्टा हमें फल देता है और साथ में छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। ईश्वर हम सब में वास करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। जो ईश्वर की आवाज होती है, हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सही मार्गदर्शन करती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। यह संसार दुख दर्द पीड़ा वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं, और इंसान उन पर लगातार विजय पाने की कोशिश करता रहता है, और वो उस कोशिश में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दुख दर्द कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी दुख कम होंगे, तभी वेदना कम होगी। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप और श्राप नष्ट हो जाएंगे।